आज हमने खाए 33,000 रुपए के मछली के अंडे। नहीं यकीन तो ये मेरा बिल देख लो। मछली के अंडे हैं 28,000 रुपए की, इंडिया की सबसे महंगी डिश। इससे महंगी डिश किसी मेन्यू में आपने कभी देखने का चांस ही नहीं है। अंबानी मेरे लोटे पे। जैसा आप सभी जानते हो कि मुझे आए दिन महंगा खाना खाने की खुजली मची रहती है, और आज की खुजली कुछ ज्यादा ही तेज मची थी। तो उसे दूर करने में चला आया दिल्ली के इस आलिशान ताज पैलेस होटल में। और इस होटल का एक आलिशान रेस्टोरेंट है ये ओरिएंट एक्सप्रेस, जो बेस्ड है 1883 में चलने वाली ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन की थीम पर। एंड माइंड इट व्हेन आई से कि यहां ये 33,000 रुपए की डिश जो मिलती है वो इंडिया की सबसे महंगी डिश है। इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव डिश, इस एक डिश का प्राइस है 28,000 रुपए। आज बहुत खर्चा हो, बहुत खर्चा, मेरे दिल पे पत्थर, मैं क्यों कर रहा हूँ ये वीडियो। I mean, मैं पूरी बारात के खाने या किसी बफे की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक सिंगल चीज की बात कर रहा हूँ जो 33,000 रुपए में मिलती है। और आज तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए वही खाने का रिक्वेस्ट लिया है। इस बात पर लाइक तो बनता है बॉस, और कमेंट करके फटाफट बताओ कि आपने इससे पहले 33,000 रुपए किस चीज पे खर्च किए। तो इस रेस्टोरेंट के अंदर आगे मैं इसकी ब्यूटी से तो मोहित था ही, साथ ही साथ मैं मोहित था इसके इतिहास से, क्योंकि साल 1988 से जब से रेस्टोरेंट खुला है तब से वैसा का वैसा ही है। I mean, यहाँ के पर्दे, सोफे, सब कुछ उस टाइम का ही है जो इन्होंने आज तक वेल मेंटेन करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले देखो इनके मेन्यू में डिश का नाम बेलुगा कैवियर, और ये देखो इसका प्राइस 28,000 रुपए एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अबे अगर हम गूगल भी करेंगे ना कि इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट कौन सा है, तो इसका नाम आएगा ओरिएंट एक्सप्रेस। और ये इसीलिए ही जाना जाता है कि इनके पास जो चीजें मिलती है ना, जितनी महंगी उतनी कहीं नहीं मिलती। एंड बेसिकली ये डिश पूरे भारत में सबसे महंगी है, जिसकी भी काफी खास वजहें हैं। जैसे एक एक्सक्लूसिव बेलुगा मछली को पूरे 20 साल लगते हैं इन अंडों को देने के लिए। दूसरा, दुनिया के अमीरों में इस डिश की डिमांड अत्यंत है। इनफैक्ट जब मैंने इनसे पूछा कि कोई और यहाँ आता है डिश खाने, तो इन्होंने बोला हर हफ्ते लोग आते हैं इसे खाने। तो भाई आज इसी डिश को खाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा था, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमारे ऑर्डर के बाद जब ये डिश टेबल पर आई, तो उसके साथ 2 ग्लास ऑफ शैंपेन तो कॉम्प्लीमेंट्री ही मिल गई। और ये डिश भी अकेले नहीं आई थी, बल्कि इसके साथ आए थे ब्रेड्स, अनियन, सार क्रीम, एग और भी बहुत कुछ। कहाँ से कहाँ गए ना, स्ट्रीट फूड खाने से शुरुआत करी थी। एक लाइक मेरे को अभी भी याद है, जब पहली वीडियो बनाई थी, कचौड़ी या पता नहीं कुछ ऐसा आइटम खाया था। एंड ऑनेस्टली जो अपनी मेन डिश थी ना, वो दिखने में कुछ ऐसी थी। अब आप बताओ कि इसको आप खाने के लिए 33,000 रुपए दोगे या नहीं। मैंने ब्रेड लिया, इसको खाने का भी एक तरीका होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओ तो ऐसे ही खाना, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कब आ रहे हो उसको ट्राई करना, ठीक है। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हो, बहुत सारी टॉपिंग्स इन्होंने साथ में दी है, जैसे सॉर क्रीम इन्होंने साथ में दिया है, योग दिया है साथ में, और अनियन दिया है वगैरह वगैरह। अब फाइनली सबके बाद इस गरीब ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कुछ इतना महंगा खाना, और इसका टेस्ट आइनो जानने के लिए आप बहुत उत्सुक होगे ना, क्योंकि हर कोई मेरी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि इन चीजों पर पैसा उड़ाने आ जाए। तो भाई इस डिश का टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल ब्रेड मक्खन जैसा था। या तो मैं गलत हूँ या तो इसका टेस्ट ब्रेड मक्खन जैसा है। भाई ये बिल्कुल ब्रेड मक्खन है, 28,000 रुपए का ब्रेड मक्खन खा रहा हूँ literally मेरी wildest expectation में भी मैंने नहीं सोचा था कि एक इतनी महंगी डिश का टेस्ट इतना एवरेज निकलेगा। यार क्यों दे रहे हैं लोग इस बला के 33,000 रुपए, ये मेरी समझ से तो बाहर था। बाकी आप जरूर टैग कर देना अपने उस दोस्त को जो आपको ये खिलाने लेकर आएगा। दोस्त बेकारी नहीं है। आज ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाला चूना लगा है, मतलब मेरे फेवरेट 5-स्टार होटल से भी ज्यादा, पूरे 33,000 रुपए का। बस उस चूने का गम चलो इस फ्री की पेस्ट्री से मिटा लेते हैं। इस बिल के बाद तो और अच्छी लग रही है। तो बोल रहे थे कि जब शैंपेन नहीं पीते पूरे ग्लास खत्म करके। ब्रो मैं मंगलवार को नहीं पीता, मंगलवार को नहीं पीता। और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए गाइस फॉलो कर लें। मिलेंगे कल, गुड बाय।